आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। इसे सफल बनाने सशस्त्र सीमा बल के द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें एनएसएस सहित एनसीसी एवं स्कूली बच्चों ने भाग लिया और आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर तिरंगा लहराने का संदेश दिया। इस वर्ष हम अपने देश के आजादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं और इस गौरवपूर्ण घड़ी को देश के प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर घर झंडा हर घर तिरंगा का अभियान चलाया है, जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर आम और खास से ये अपील की जा रही है कि वह अपने प्रतिष्ठान, कंपनी, ऑफिस एवं अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराएं और इस 75वें आजादी के अमृत महोत्सव को पूरी धूमधाम के साथ, पूरे गर्व के साथ मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सशस्त्र सीमा बल ने बीड़ा उठाया है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इनके द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम सशस्त्र सीमा बल ने एक पैदल मार्च का आयोजन किया, जिसमें एनएसएस और एनसीसी के बच्चों ने अपनी हिस्सेदारी दी। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हर घर झंडा हर घर तिरंगा के अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए पैदल मार्च किया। सशस्त्र सीमा बल के चीफ कमांडेंट ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई, साथ ही यह भी बताया कि आने वाले समय में और भी अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा और इन प्रयासों में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, जैसे आपने बताया, हर घर झंडा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी अभी घोषणा की है और आह्वान की है कि 13, 14, 15 अगस्त को सभी अपने भवनों से और कार्यालयों में झंडे तिरंगा फहराएं। और ये मुहिम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में, जब हम देश की आज़ादी के 75वें सालगिरह को मना रहे हैं। इस ओर हमने एसएसबी जो भिलाई में है, हमारी यूनिट ने, ऐसे ही सभी यूनिट कर रही है, हमारी तरफ से छत्तीसगढ़ में हमने ये मुहिम छेड़ी है, जिससे कि हम एक जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के बीच में। आपने देखा, हम अभी कॉलोनियों के बीच में जा रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, जहाँ कार्यालय हैं वहाँ पे गए हम, वहाँ पे हमने एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, जिसमें कि हम ये आह्वान कर रहे हैं कि 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर से, हर भवन से, हर कार्यालय के ऊपर तिरंगा फहराया जाए और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को की एक को पूरी अच्छी तरह उसको मना सकें। और इसलिए आपने देखा कि हमारे साथ आज एनएसएस, एनसीसी और बाकी इस कॉलेज स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। एक अच्छी गैदरिंग हमारे साथ हुई है। हम जानते हैं कि लोगों का भी रास्ते में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मुहिम कामयाब होगी। देखिए, युवा, आपको पता है, देश का भविष्य है। हर कार्य में जब तक युवाओं का साथ नहीं होगा तो आगे कोई भी कार्यक्रम सफल उतना नहीं हो सकता जितना उसको होना चाहिए। युवा हमारा भविष्य है और ये देश का भविष्य पूरा युवाओं के कंधों पे शामिल है और उनमें जो मोटिवेशन होती है, जो ड्राइव होती है, जो उत्सुकता होती है, वो काबिले तारीफ है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को सफल बनाएं। प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजन करेंगे। अभी ये हमने एक पैदल मार्च निकाला है, जिसके पदयात्रा के जरिए हम आसपास के इलाके के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आगे वाले आने वाले दिनों में 15 अगस्त तक हम और अन्य कार्यक्रम निकालेंगे, जैसे टू व्हीलर की रैली निकालेंगे, साइकिल की रैली निकालेंगे, समाज कल्चरल प्रोग्राम्स निकालेंगे, हम अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विकलांग बच्चों के आश्रम और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसर्स, ऐसे जगहों पर जाकर ये जागरूकता अभियान और आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हमें आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष बीत गए हैं और इस आज़ाद भारत में सांस लेने के लिए कई वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई है। हमें गर्व है कि उन वीर सपूतों का बलिदान जाया नहीं गया और बड़े गर्व से हम उन वीर सपूतों को याद करके इस वर्ष 75वां आज़ादी का पर्व अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।